ये बड़े गौरव का विषय है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की नेशनल कॉन्फ्रेंस इस शहर के अंदर 21 से 23 दिसंबर को हो रही है होटल रेडिसन में। इसमें कार्डियोलॉजी की जो नवीनतम टेक्निक हैं उनके ऊपर गहन मंथन होगा, विचार होगा, और उनको कैसे हम लोग आम जनता के लिए यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर विचार होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कि आगरा में काफ़ी अब हो रही हैं, तो बड़ा कॉन्फ्रेंस है जिसमें देश के भी और विदेश के भी डॉक्टर इसमें भाग ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है वो ये है कि इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी का हार्ट का दो पार्ट हो गए हैं, नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी और इन्वेजिव। इसमें क्या होता है कि जैसे एक एंजियोग्राफी प्लास्टी और बाईपास सर्जरी, एक तो ये वाला कार्डियोलॉजी है, दूसरा जो कार्डियोलॉजी है वो जैसे इकोकार्डियोग्राफी, TMT, ECG, ये नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी। तो दोनों ही विषय पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो रही है। जो 13वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है कार्डियोलॉजी की, आगरा शहर और आगरा रीजन के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इससे हम चिकित्सक लोगों का, जो आसपास के शहर के और शहर के आसपास लोगों का काफ़ी भला होगा। और जैसा कि चिकित्सा में देखा गया है कि हमें समय समय पर अपडेट रहना पड़ता है, तो ये अपग्रेडेशन का एक बहुत हिस्सा है। और इसके लिए मैं डॉक्टर सी आर रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बहुत मेहनत करके हमारे आगरा शहर में ये कॉन्फ्रेंस लाएँ। और ये हम चाहते हैं कि सतत प्रयास होते रहना चाहिए जिससे कि हम चिकित्सकों का और साथ में समाज का भला होता रहे। कल शाम 4 बजे इसका इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन में डॉक्टर जी के अनेजा साहब, प्रिंसिपल एंड डीन एसएन मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। उसके बाद कुछ साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किए जाएंगे और 7 बजे से कॉन्वोकेशन है। कॉन्वोकेशन में कार्डियोलॉजी की मानद उपाधि दी जाती है फेलोशिप के जरिए। और बड़े गर्व की बात है कि आगरा शहर से करीब 7 या 8 डॉक्टर नामांकित हुए हैं। पूरे देश से भी करीब 7-8 डॉक्टर हैं और आगरा शहर और आसपास के इलाकों में 7 और 8 डॉक्टर नामांकित हुए हैं। उनमें से कुछ 3-4 डॉक्टर यहाँ पर भी अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। और 23 तारीख को आधा दिन रहेगी कॉन्फ्रेंस के दौरान ECG की टीचिंग की जाएगी 1-1 घंटे सवेरे 9 और 10 के बीच में।